हेलो गाइज, आज मैं जा रही हूँ सोहजन की सब्ज़ी बनाने, जो काफ़ी टेस्टी और यम्मी होती है। ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जो आप लोगों को काफ़ी पसंद है। इसके लिए मैंने कुछ सोहजन लिए हैं जिसे अच्छे से धुल करके छोटे छोटे टुकड़ों में आप कट कर ले, और टमाटर को भी इस तरह से मैंने कट कर लिया। आप देख सकते हैं इधर मैंने आलू भी कट कर लिए, 2-3 आलू को मैंने अच्छे से छिलका हटा करके कट कर लिया। आप देख सकते हैं सारे सब्ज़ियाँ कट चुकी है। तो आप चलिए अब हम लोग पहले मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं मैंने जीरा, लहसुन, अदरक, लाल मिर्च, काली मिर्च और सरसों लिए हैं जिसे आप पानी डाल करके ग्राइंड कर ले। इधर देख सकते हैं आपकी मैंने सरसों तेल भी गर्म कर लिए हैं, गैस ऑन करके गर्म कर ले। इधर आप देख सकते हैं मैंने ग्राइंडर जार में इसे डाल करके पीस भी लिया है मसालों को। तो चलिए आप अब इसे हम लोग आलू को सबसे पहले फ्राई करते हैं। आलू अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद में उसी तेल में हम लोग 2 चम्मच के लगभग मैंने तेल लिया है, उसी तेल में आप इसमें डाल करके आप सोहजन को भी अच्छे से फ्राई कर ले जिससे अच्छे से पक जाए दोनों। इधर आप मसाले में कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर ले, जैसे कि मैंने हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर सबको डाल करके अच्छे से मिक्स करें। इधर देख सकते हैं मैं अब सोहजन को भी फ्राई करने जा रहा हूँ। जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह से आप भी फ्राई कर ले। उसके बाद में मैं सूखे कुछ मसाले यहाँ पे सरसों, जीरा और लाल मिर्च, तेज़पत्ता डाल करके अच्छे से इसे हल्का सा जब भून जाए तब आप इसमें मसाले डाल करके उसे अच्छे से मिक्स करें। यहाँ देख सकते हैं मैंने मसाले को मिक्स कर लिया है। इसी तरह से आप भी धीमा फ्लेम रखें और अच्छे से भूने सरसों का मसाला, अधिक ना भूने, तेज़ फ्लेम प्लीज़ ना रखें। इसमें टमाटर डाल करके अच्छे से भूनने के बाद में आप 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी डाल करके अच्छे से मसाले को पकाएं। उसके बाद में सारे इन्ग्रीडियंट्स आप डाल दें। यहाँ मैंने पहले ही नमक डाल दिया है जिससे टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसमें हम लोग डाल देते हैं आलू और सोहजन फ्राई किया हुआ जिसे अच्छे से मिक्स करें, और 2 मिनट के लिए आप ढक करके इसे पकाएं और सर्व करें रोटी सब्जी चावल के साथ। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। आप लोग ज़रूर प्लीज़ इसे ट्राई करें और कैसा बना मुझसे शेयर करें। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।